नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। भारतीय रसोई में कुछ ऐसे मसालों का प्रयोग होता है जिनके बारे में लोगों को केवल इतना ही पता है कि मसाले भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को इन मसालों के औषधीय गुणों के बारे में पता नहीं होता। यह मसाले कई प्रकार के रोगों व सेहत समस्याओं को दूर करने वाले गुणों को समेटे होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मसाले के बारे में जानकारी देंगे जिसका प्रयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। खासकर आम के अचार के स्वाद को दोगुना करने में यह मसाला अहम भूमिका निभाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलौंजी की। इसमें कई प्रकार के रोगों को दूर करने वाले गुण पाए जाते हैं। कलौंजी के तेल को ब्लैक सीड ऑयल कहा जाता है। यह तेल भी कई समस्याओं से निजात दिलाता है। प्राचीन काल से ही आयुर्वेद में कलौंजी के बीज और तेल का प्रयोग एक औषधि के रूप में किया जाता है। कलौंजी का पौधा छोटे आकार का होता है। इस पर हल्के नीले और पीले रंग के फूल लगते हैं। इस पौधे के काले रंग के बीज को कलौंजी कहते हैं। कलौंजी के रोग नाशक गुणों को देखते हुए इसका प्रयोग यूनानी दवाइयों के निर्माण में भी होता है। कलौंजी में कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन सी पाए जाते हैं। इसके साथ ही कलौंजी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक गुण भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कलौंजी के फायदे: खून की कमी को करे दूर। खून की कमी को दूर करने में कलौंजी बेहद उपयोगी है। इसके लिए 1 कप पानी में 50 ग्राम के करीब हरा पुदीना डालकर इसे उबाल लें। इसमें 1/2 चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर पीने से फायदा होता है। आप इसका सेवन सुबह खाली पेट और रात को सोते समय कर सकते हैं। इस मिश्रण के नियमित उपयोग से कुछ ही दिनों में खून की कमी दूर हो जाती है। पाचन तंत्र को रखें ठीक। पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए कलौंजी लाभदायक है। इसके सेवन से पेट में बनने वाले हानिकारक व जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं और पेट साफ होता है। साथ ही पेट में कीड़े होने पर कलौंजी को शहद के साथ मिलाकर नियमित रूप से लेने से फायदा होता है। कलौंजी का प्रयोग भोजन बनाते समय मसाले के रूप में भी किया जा सकता है। त्वचा के लिए है फायदेमंद। कलौंजी के सेवन के साथ साथ इसका प्रयोग त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। कलौंजी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो त्वचा को साफ, चमकदार और जमा रखते हैं। नारियल के तेल में कलौंजी का तेल मिलाकर त्वचा की मालिश करने से फायदा होता है। इससे झुर्रियाँ दूर होती हैं। इसका प्रयोग फटी एड़ियों पर भी किया जा सकता है। पीलिया: पीलिया होने पर भी कलौंजी का सेवन करने से आराम मिलता है। इसके लिए कलौंजी को दूध के साथ लेना फायदेमंद रहता है। 1 कप दूध में 1/2 चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर सुबह खाली पेट और रात को सोते समय पीने से 1 हफ्ते में ही पीलिया रोग से राहत मिल जाती है। कैंसर से करें बचाव। कलौंजी में कैंसर से बचाव करने वाले गुण भी पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर जैसे भयानक रोग से रक्षा करते हैं और कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। गंजापन दूर करने और बालों को झड़ने से रोकने में भी कलौंजी बेहद फायदेमंद है। कलौंजी को जलाकर हेयर ऑयल में मिलाकर सर पर मालिश करने से गंजापन दूर होता है और बाल उगने लगते हैं। कलौंजी के तेल में ऑलिव ऑयल और मेहंदी पाउडर को मिलाकर हल्का गर्म करने के बाद ठंडा करके शीशी में डालकर रख लें। इस तेल से हफ्ते में 2 बार सिर की मालिश करने से गंजेपन की समस्या दूर होती है। अगर आप बालों के गिरने व टूटने से परेशान हैं तो नींबू के रस से सिर पर मालिश करने के बाद अच्छी तरह से बालों को साफ करने के बाद कलौंजी के तेल से मसाज करने से फायदा होगा। सर्दी जुकाम: सर्दी जुकाम से राहत पाने के लिए कलौंजी को तवे पर गर्म करके सूंघने से फायदा होता है। कलौंजी का तेल और जैतून का तेल एक मात्रा में लेकर कुछ बूंदे नाक में डालने से भी सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। इसके नियमित प्रयोग से पुराना जुकाम भी ठीक हो जाता है। पेट दर्द में है लाभदायक। पेट का दर्द चाहे किसी भी कारण से हो, इससे राहत पाने के लिए 1 गिलास नींबू पानी में 2 चम्मच शहद और 1/2 चम्मच कलौंजी का तेल डालकर दिन में 2 बार पीना फायदेमंद रहता है। गुनगुने पानी में 1 चुटकी नमक डालकर और 1/2 चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर पीने से पेट दर्द में आराम मिलता है। दांत के दर्द से दिलाए राहत: दांत के दर्द और मसूड़ों के दर्द में भी कलौंजी का प्रयोग करने से फायदा होता है। कलौंजी के तेल और लौंग के तेल को मिलाकर दर्द वाले स्थान पर लगाने से दर्द से राहत मिलती है। दांतों को साफ व मजबूत बनाने के लिए सेंधा नमक को जलाने के बाद बारीक पीसकर उसमें कुछ बूंदे कलौंजी के तेल की डालकर प्रयोग किया जा सकता है। कलौंजी के तेल को लगाने से दांतों का कीड़ा भी मर जाता है।
जोड़ों और गठिया के दर्द में है फायदेमंद। कलौंजी के तेल की मालिश करने से जोड़ों का दर्द, गठिया और सूजन दूर होती है। इन समस्याओं में कलौंजी के तेल में लहसुन पकाकर मालिश करने से फायदा होता है। कलौंजी को पीसकर प्रभावित स्थान पर लेप करने से भी आराम मिलता है। बवासीर की समस्या को करे दूर। बवासीर होने पर कलौंजी के तेल को नारियल की राख में मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से फायदा होता है। स्मरण शक्ति को बढ़ाए। कलौंजी के उपयोग से स्मरण शक्ति यानी याददाश्त बढ़ती है। इसके लिए नियमित रूप में कलौंजी खाने से एकाग्रता बढ़ने के साथ साथ दिमाग की कार्य शक्ति और कार्य क्षमता भी बढ़ती है। कलौंजी के नुकसान। कलौंजी के अधिक सेवन से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, जिससे हाइपोटेंशन हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को इसके उपयोग से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कलौंजी के औषधीय गुणों से जुड़ी जानकारी। ऐसे ही किसी और मसाले या औषधि के फायदों से जुड़ी जानकारी लेकर फिर आपके रूबरू होंगे। आप बने रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।